तो दोस्तों पवन सिंह की मां नहीं लड़ेंगी चुनाव। जी हां दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश श्रीवास्तव ऑफिशियल में। क्या है पूरा मामला हम बताते हैं आपको विस्तार में। पवन सिंह की मां ने 14 मई को अपना नामांकन दाखिल किया था और कुल काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 14 प्रत्याशी हो गए थे। जी हां दोस्तों, लेकिन कल पवन सिंह की माता जी ने अपना नामांकन वापिस कर लिया है। जी हां दोस्तों, और अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र से कुल 13 ही प्रत्याशी मैदान में है। और दोस्तों आपको बता दें, पवन सिंह की माता जी नहीं लड़ेंगे चुनाव। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने इस वजह से नामांकन दाखिल किया था कि कहीं उनके बेटे का अगर नामांकन खारिज हो जाता है तो वह मैदान में उतर जाएंगी और वह चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जब पवन सिंह का नामांकन खारिज नहीं हुआ तो उन्होंने अपना नामांकन वापिस कर लिया। और दोस्तों आपको बता दें, पावर स्टार पवन सिंह को चुनाव चिन्ह मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का चुनाव चिन्ह कैची है और विपक्ष को कहीं डर है कि उनकी सीट पवन सिंह अपने कैची से काट ना दे। और दोस्तों इधर पवन सिंह को कैची मिलते ही उनकी रफ्तार काफी और तेज हो गई है। काफी वो अपना चुनाव प्रचार और जोरों शोरों से कर रहे हैं और कैची मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि विपक्ष के हर एक गलत कामों का हम जवाब काट कर देंगे। दोस्तों आपको बता दें, इधर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भी जो जनता का मूड सामने आ रहा है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिल्कुल नहीं है। जहां तक लोगों से पूछा जा रहा है वो एक ही नाम बस पवन सिंह का ही नाम ले रहे हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा को लोग इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। पिछले उन्होंने कह रहे हैं कि 10 साल से उपेंद्र कुशवाहा यहां से सांसद थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। यहां तक कि वह आते भी नहीं थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। तो इस बार पवन सिंह को ही जिताना है और पावर स्टार पवन सिंह को ही लाना है सांसद बनाकर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आज किसी नेक्स्ट वीडियो में।